कन्फ्यूजन में फंसी बिहार की 40 लाख मासूमों की जान। प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद, लेकिन 3 से 6 साल के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र खुला। यूपी की वजह से बिहार एनडीए में किचकिच, यूपी में टूटा सीमाकरण, अब बिगड़ सकती है बिहार में एनडीए की सूरत। पटना में दो गाड़ियों में सरेआम आग लगी, बख्तियारपुर सीओ की गाड़ी धू-धू कर चली, बीटा में भी चलती कार में आग लगी। किसी ने खोया जवान बेटा तो किसी का उजड़ा सुहाग, नालंदा में 13 लोगों की मौत के बाद मचा कोहराम, परिजन बोले जहरीली शराब ने ली जान। मुजफ्फरपुर में 248 नए पॉजिटिव केस, 17 स्वास्थ्य कर्मी और एक रेल कर्मी भी संक्रमित मिले, अब 1848 एक्टिव केस। जमुई में सड़क हादसे में एक की मौत, 3 घायल, सिकंदरा जन्म स्थान से पिकनिक मनाकर लौट रहे थे 4 युवक, मारुति 20 फीट गहरे नहर में गिरी। हजार का चालान काटने पर बवाल, मुजफ्फरपुर में मास्क चेकिंग करने गए अधिकारियों को दुकानदारों ने बनाया बंधक, दर्ज की जा रही एफआईआर। गया में 74 लाख का गोल्ड बार बरामद, 1.5 केजी गोल्ड लेकर बंगाल से यूपी जा रहे थे 2 तस्कर, ट्रेन में धराए। फर्जी डिग्री पर 10 साल से नौकरी कर रहे हैं गुरुजी, कटिहार में निगरानी विभाग ने शिक्षक पर दर्ज की एफआईआर, जांच में पता चला खुद है 10वीं फेल। बीजेपी सांसद ने सैनी पर साधा निशाना, अजय निषाद बोले खुद के विधायक नहीं दे रहे हैं साथ, यूपी के लिए सोशल मीडिया से खोज रहे प्रत्याशी। नालंदा में गोली लगने से चाचा भतीजा घायल, बच्चों के विवाद में बीच बचाव करने गए थे, बदमाशों ने जमकर की फायरिंग। बेगूसराय में रंगदारी नहीं देने पर चली गोली, सब्जी बेच कर घर लौट रहा था, बदमाश रोक कर मांगने लगे रंगदारी, नहीं दिया तो दाग दी गोली। गोपालगंज में 24 घंटे में 11 बच्चे मिले कोरोना संक्रमित, नए मामलों में 5 साल का बच्चा और एक 11 किशोर शामिल, विभाग की बढ़ी टेंशन। नागपुर में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, 1 की मौत, बाइक से घूमने निकले थे 3 युवक, तभी हुआ हादसा, 2 की हालत गंभीर। सड़क दुर्घटना में 1 की मौत, दर्जन भर बच्चे घायल, सिकंदरा में टेम्पो पलटने से हुआ हादसा, लखीसराय से आए थे सभी।